कि छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को क्या कर सकती है। एक छोटी सी बात समझने से पहाड़ हट सकते हैं, मुर्दे उठ सकते हैं, पैरालाइज के रोगी चल सकते हैं, अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं। पर ये कब होगा? जब एक छोटी सी बात को समझोगे। आपको पता है कि हमारा मसीह में एक नया जन्म हुआ है? कितनों को पता है कि हमारा मसीह में नया जन्म हुआ है? पता है ना? बोलो क्या है? क्योंकि एक जन्म हमारा वो जन्म है जिस जो हम माता पिता से पैदा हुई उनकी इच्छा से। वो जन्म एक पाप का जन्म है। बोलो क्या है? और पाप कहां पे है? पाप हमारे कहां पे? कितनों को पता, हाथ खड़ा करो कि पाप कहां पे? पाप कहां पे? क्योंकि ये छोटा सा वर्ड है, ये छोटी सी बात है, बोलो क्या है? पर जैसे लिखा ना कि छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को क्या कर सकती है। एक छोटी सी बात समझने से पहाड़ हट सकते हैं, मुर्दे उठ सकते हैं, पैरालाइज के रोगी चल सकते हैं, अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं। पर ये कब होगा? जब एक छोटी सी बात को समझोगे। जो समझ चुके उनके लिए तो लगेगा, हाँ ये छोटा सा ये सवाल है। जैसे बिल्डिंग चाहे 10 मंजिली चाहे 20 मंजिली 100 मंजिली खड़ी करनी हो, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है, बोलो क्या है? अगर उस बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग बेकार है, किसी काम का नहीं है, कब उसका कोई भरोसा नहीं कब वो गिर पड़ेगी, पता है कि नहीं पता? इसलिए हमें नींव की शिक्षा का पता नहीं है तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। बोलो, अगर हमें नींव की शिक्षा का पता नहीं हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत का पॉइंट है हमारा। बोलो क्या है? शुरुआत का हमारा, क्योंकि हम सब किससे पैदा हुए? पाप से पैदा हुए। पाप से समझते हो ना, क्योंकि पाप मतलब माता पिता की इच्छा से, हाँ हम ऐसे पैदा हुए ना सब, तो उसे बोलते पाप से। और पाप एक ऐसा वायरस है, बोलो क्या है? पाप एक ऐसा वायरस है जिसके बहुत से अलग अलग तरह के उसके लक्षण है, उसके काम है, एक जैसे नहीं। इसलिए गुस्सा किसकी ओर से, नफरत किसकी ओर से, ईर्ष्या कहां से आती, चुगली वैर ये सब चीजें किससे? परमेश्वर से तो नहीं है, ये पाप से ही है। बोलो क्या है? ये पाप ही से पैदा हुई है इंसान के जीवन में। किससे हुई है? पापी से। ये और पाप हमारे कहां पे है? कितनों को पता? अब हाथ खड़ा करो, कितनों को पता कि पाप कहां पे हमारे? नहीं, हाथ खड़ा करके रखो, हलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आना चाहता हूं कि 2021 जो लास्ट मीटिंग है, बोलो क्या है? ये लास्ट मीटिंग है 2021 की। आप आने वाले 2022 में इतना इस अपने वचन की नींव को ढालकर बढ़ो ताकि शैतान भी सोचे, हाँ मैं कहां पर जाऊं, मैं कैसे इनके जीवन में काम करूं, ये हाँ अब जो कर रहे हैं आपके जीवन में काम कर रहे हैं ना, वो सोचने पर मजबूर हो जाए शैतान कि अब मैं कौन सा तीर चलाऊं, कौन सा इनके ऊपर प्रभाव ऐसा करूं कि ये फिर से मेरी उस युक्ति में फंसे और किसी तरीके में इनको खुदा से दूर करूं। और आपको अगर समझ आ गई, हाँ क्योंकि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, के 10 है, 100 है, 1000 है, एक ही, उसके अलावा कोई दूसरा। अगर मान लो किसी के जीवन में काम नहीं हुआ, हाँ महीना हो गया उसे, 2 महीने, साल हो गए, 2 साल हो गए, मगर उसका काम नहीं हो रहा। वैसे तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर चुने हुए के विखे देर ना लगाएगा, क्या ना लगाएगा, पर किन के विषय ना देर लगाएगा, लिखा जो रात दिन दोहाई दे रहे हैं, जो उसके नाम की क्या दे रहे हैं, दोहाई दे रहे हैं, दोहाई जो घुटने टेक रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं, रोज रोज चाहत करते, उठते बैठते सोते लेटते, कितने लोग ऐसे करते हैं। पर तभी आप कर सकोगे जब आपको ये जो चीज मैं पॉइंट बता रहा हूं अगर आपको समझ आएगा, क्या आएगा?
जो उठते बैठते लेटते चलते, कल मेरी मीटिंग से ही मीटिंग थी टीम से, मैं उन्हें बता रहा था कि जब मैं प्रभु में आया तो शैतान ने मेरे सामने बहुत से हालात खड़े किए, क्योंकि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था, मेरा खुद का काम था, मैं हजारों रुपए एक दिन के भी कमा लेता था, पर मैं नशे में था, मैं नशे करता था, एक दिन का मेरा हजार हजार रुपए का मेरा खुद का खर्च था, और इससे भी मैं ज्यादा, कई बार 2,000, 2,500, 3,000 तक, अगर मैं चार लोगों को साथ ले लिया, मंडली बनाकर उनके साथ पीने लगा, खाने लगा, अब चलो रेस्टोरेंट में खाना खाना है, वहां पे पता नहीं कितने का बिल बनेगा, 1,000 का कि 1,500 का, समझ आ रही है? तब मेरे पास बहुत पैसे थे, मगर मैं अंधकार में था, मेरे जीवन में शांति नहीं थी, बोलो। और एक ही चीज शैतान ने मेरे मन में डाली थी कि तूने अपने आप को खत्म करना है, और शुक्र है उस खुदा का कि जिसने मुझे अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, इसीलिए मैंने अपना जीवन उसे दे दिया। पर जब मैं प्रभु के पास आया तो शैतान मुझे जानता था, मेरे जीवन को जानता था कि ये कुछ करेगा, इसीलिए उसने मुझे रोकने के लिए बहुत सी परिस्थितियों को मेरे सामने खड़ा किया, पर मैंने एक पर भी ध्यान नहीं दिया और रुका नहीं, आज तक नहीं रुका। क्या नहीं रुका? आज तक नहीं रुका। मैं हजारों रुपए कमाने वाला व्यक्ति था, और जब मैं प्रभु में आया मैं 10-10 रुपए का मुमताज हो गया, और शैतान मेरे मन में ऐसे बातें डालता था, अब याद ये अच्छा समय है कि वो अच्छा है, अब तू इस शाम को इस बियर बार में बैठा था, चिकन तेरे सामने था, हाँ कितनी आनंदमय जिंदगी, अब तू 10 रुपए को, वो ऐसे मेरे मन में डालता, अब भी वापस आ जा, क्या आ जा? पर मैं समझ चुका था, बोलो, मैं समझ चुका था कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और जो कुछ भी, क्योंकि उसने मुझे, जब मैं आया था सबसे पहले मुझे अपनी शांति दी, जो लोगों के पास नहीं है, संसार में नहीं है, क्योंकि संसार के लोग जो धार्मिकता करते हैं उनके पास वो शांति नहीं है, उनके पास, क्योंकि वो शांति यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें देता हूं, संसार जगत नहीं देता, ये देता है, पर जो शरीर के हैं वो नहीं समझ सकते। इसीलिए बाइबल में लिखा, आप कुरिन्थियस 2 की पढ़ते हो ना वचन, तो उसमें ऐसे लिखा है कि शारीरिक मनुष्य जो है खुदा के आत्मा की बातें नहीं समझ सकता। ये 2 की में भी 9 पढ़ना, ऐसे लिखा ना, फर्स्ट कुरिन्थियस 2 की 9 पढ़ना, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंख ने नहीं देखी। आगे चलो और भी 13 से पढ़ो 13 से, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। आगे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आमीन, हालेलुया। देखा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें जांच नहीं सकता, उसे समझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अगर मैं शरीर में होता क्या होता? मैं आत्मा की बात को ना समझ पाता, जैसे शैतान मुझे कहता था वापस आ जा, क्या आ जा? वापस आ जा। क्योंकि आज लोग सिर्फ किस चीज के लिए जीते हैं, कि मेरे पास धन हो, ये हो, वो हो, हाँ नहीं, बोलो क्या है? मान लो किसी के पास करोड़ों हैं, मगर वो बीमार है, उठ नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, तो उसका करोड़ों रुपए किसी काम का है? बोलो, है किसी काम का? समझ आ रही है? इसलिए मैं समझ चुका था, और मैं जब शैतान इन चीजों को मेरे मन में डालता था कि वापस आ जा, क्या जा? अगर मैं शरीर में होता तो मैंने कहना छोड़ो, ये भी कोई जिंदगी, हाँ, जैसे संसार में अगर किसी के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कहते हैं बेकार है, बोलो, ऐसे कहते हैं ना वो लोग, कहते हैं जो जानते नहीं सत्य को, समझते हो? पर मैं जान चुका था, बोलो क्या है? मैं जान चुका था, इसलिए जो चीजें शैतान मेरे मन में डाल रहा था, मुझे पता था कि ये कौन मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज भी वो कोशिश करता है बहुत सी बातों से आपको खुदा से तोड़ने से, क्या करता है?
अगर मान लो किसी का काम नहीं हो रहा तो उसके मन में कई विचार आएंगे, कई ख्याल आएंगे, हाँ कई सोचें वो सोचेगा, बोलो क्या है, वो कई सोचें वो सोचेगा। पर अगर आपको ये पता चल गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, बोलो उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, जैसे मुझे पता चल गया उसने बहुत ताकत लगाई शैतान ने मुझे फिर से वापस उसी जीवन में खींचने की, पर मैं खड़ा रहा उन परिस्थितियों में, उन दुखों में भी, उन हालातों में भी मैं खड़ा रहा। अगर मैं खड़ा रहा तो जितना मैं प्रभु के पास आने से पहले कमाता था, जब मैं प्रभु में आया उससे भी कई गुना ज्यादा खुदा ने मुझे दिया। हाँ इतना दिया मुझे, बोलो इतना दिया, कई इतने पैसे मेरे पास होते थे, मैं अभी मैसेज कर रहा था, इतने पैसे होते थे यहां पे रखो वहां पे रखो, इतना ज्यादा ब्लेस किया। पर अगर मैं उस समय डर जाता ना तो मुझे आशीष मिलनी थी ना मुझे जीवन मिलना था, क्योंकि हमारे पास दो जीवन है, एक पृथ्वी पर और इसके एक बाद हमें स्वर्ग में परमेश्वर जिसे हम बोलते अनंत जीवन देगा। कौन सा जीवन देगा? अनंत जीवन, जिसे हम पंजाबी में बोलते सतिपक जीवन। कौन सा जीवन? सतिपक जीवन, सतिपक सदा का। हाँ देगा कि नहीं देगा? इसके लिए संसार भक्ति कर रहा है, अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है कि हम जब यहां से जाएं तो वहां पे हमें क्या मिले, जगह मिले। पर यीशु ने कहा सत्य जीवन रास्ता मैं हूं, मेरे द्वारा, मेरे बगैर कोई भी वहां पे जा नहीं सकता। क्या नहीं जा सकता? और दुनिया की धार्मिकता में कोई ऐसे चंगियाई नहीं, कोई ऐसे नहीं है। बस वो कहते हैं कि भक्ति करो, क्या करो, सिमरन करो और आपको स्वर्ग में क्या मिलेगी, जगह मिलेगी। क्या मिलेगी स्वर्ग में आपको? जगह मिलेगी, जगह। कहते हैं कि नहीं कहते? स्वर्ग में क्या मिलेगी आपको? आपको मिल चुकी है कि नहीं? कितनों को मिल चुकी है और कितने लोग विश्वास करते हैं? मगर आप उन चीजों पर बने नहीं रहोगे, चलोगे नहीं, पूरा नहीं करोगे तो आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नियम का परमेश्वर है। बोलो क्या है? अगर आप भी वचन पूरा नहीं करें तो आपको भी नहीं देगा, चाहे आप प्रभु में हो। बोलो कितने सेविक लोग हैं जो दूसरों को बताते हैं। इसलिए उसने कहा उस समय लोग कहेंगे मैंने तेरे नाम से ये किया वो, कहता मैंने दुष्टात्मा को निकाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो कहता मैं साफ उनका इनकार कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं उनका साफ इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें जानता, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा थी तुमने पूरा नहीं किया। आज मैं और आप इसलिए चुने गए कि हम सब किसकी इच्छा को पूरा करें? बोलो किसकी इच्छा को? जब मैं प्रभु में आया तो मैंने अपनी परिस्थितियों पर नहीं, मैंने अपने दुखों पर यह मन नहीं लगाया। मैं समझ चुका था कि जीवित परमेश्वर कौन है, उसने मुझे क्यों बुलाया और वो क्या चाहता है। वो एक ही परमेश्वर है और वो मुक्ति देने आया है हमें पापों से। क्या देने आया हमें पापों से? वो मुक्ति देने आया। तो मैं विश्वास करता था कि उसने मुझे मुक्ति दे दी है। अगर मुझे दी है तो खुदावंद मेरे जीवन से चाहता है कि और लोगों को दे। इसलिए मैं खड़ा रहा, क्योंकि मेरी चाहत थी मैं खुदा के लिए जीऊं और बहुत सी रूहों को बचाऊं। आमीन। क्या बचाऊं? बहुत सी रूहों को बचाऊं जो अंधकार के। आज मेरे तकरीबन हमारे जितने रिश्तेदार हैं सब प्रभु में, सब प्रभु में, सब प्रभु में। मेरी मैरिज हुई वो आगे आगे भी क्या सब प्रभु में। कुछ लोग रह गए और मेरे विश्वास में उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनको भी आप बचा चुके हो। क्या वो बोलो? उनको भी आप बचा चुके हो। क्योंकि हमारा एक ही काम नहीं है कि सिर्फ मुझे मुझे बस ये दे 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 दे। परमेश्वर जानता है अगर उसने आपको बुलाया तो वो देगा। बोलो क्या देगा? रोमियो 8:32 में क्या लिखा? जिसने पुत्र दिया वो सब चीजें नहीं देगा? अगर आपको जीवन देने के लिए उसने बेटा दे दिया तो लिखा वो बाकी चीजें भी आपको सब देगा। ये नहीं कि नहीं देगा। अगर आप बीमार हो तो वो चंगा करेगा। आपके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, घर नहीं है, बेबी नहीं है, वो सब कुछ देगा। बोलो क्या करेगा? पर कब देगा? बोलो कब देगा? कब देगा? जब वचन को पूरा करोगे। हाँ जिस पाप से आपको मुक्ति दी उसने, उस पाप को छोड़ोगे। अगर पाप की डेफिनेशन नहीं पता तो कैसे होगा? कौन सा पाप मैंने छोड़ना है? क्योंकि अगर पाप की डेफिनेशन का नहीं पता, फिर से खड़ा करो हाथ,
कितनों को पता, फिर से खड़ा करो, क्योंकि मेरा विश्वास है, मैं आज मैंने प्रार्थना की है कि एक भी जन ये मूर्खता हो गई किसी इंसान की कि उसके जीवन में काम नहीं हुआ, जहां वो प्रभु को छोड़कर फिर वापस जा रहा है उसी अंधकार की काली दुनिया में, बोलो क्या है, उसी अंधकार की काली दुनिया में फिर जा रहा है। इसलिए खुदावन ने आज मुझे कहा है कि मैं उस वर्ड को, उस वचन को आपको फिर से दूं, जिससे सब लोग क्या पाएं, शांति पाएं, बरकत पाएं, और सब लोग उसको वचन को पूरा करने से, समझने से उसकी सामत को प्रकट करें अपने जीवन से। क्या करें? सामत को प्रकट करें, क्योंकि आपको पापों की माफी मिल गई कि नहीं मिली, उसने अपना ब्लड आपके लिए दे दिया है, उसने अपना जीवन दे दिया हमारे लिए, दे दिया कि नहीं, दे दिया ना, मगर हमें इसकी डेफिनेशन का नहीं पता कि पाप कहां पे, बोलो क्या है पाप, कहां पे, हाथ खड़ा करो, कहां पे है पाप, करके रखो, ये बहुत जरूरी है। हाथ हाथ नहीं, किसी ने नीचा करना, हाथ नहीं है, साइड पर मुझे देखने दो, किन लोगों को पता नहीं, और जितने लोगों को आज पता नहीं उन्होंने जाना नहीं मीटिंग खत्म होने के बाद, जिनको नहीं पता कि पाप कहां पे, उन्होंने जाना नहीं, बोलो क्या, उन्होंने जाना, उन्होंने जाना नहीं। मैं एक बार तो समझाता हूं, मैं फिर से क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने जाना नहीं है, क्योंकि पाप हमारे कहां पे, पाप हमारे, इनसे पूछते हैं पाप कहां पे, नहीं मुख पर नहीं, पाप कौन से हिस्से में है हमारे, पाप हां, पाप साडे किथे है, केड़े हिस्से च है, अखां च या दिल च या कि दिमाग च है, दिमाग च है, हुण किद्दां बाहर कढ़ीए, हां कढ़े, परमेश्वर ही कढ़ेगा, परमेश्वर कढ़ेगा, ऑपरेशन करेगा, जो मर्जी करेगा, की प्रॉब्लम की है तोड़ी, कोई पता नहीं सर, इत्थों मैं सुन जानी है ते मेनू गाड़ी ना प्रार्थना आउंदी ना कुछ, प्रॉब्लम की है तोड़ी, बच्चा नशे करता है और इनकी चाहत है, क्योंकि एक माँ है, जैसे हो सकता आप में से भी किसी की पत्नी कुछ ऐसी हो, किसी का पति हो, किसी का बच्चा हो, प्रॉब्लम सबकी एक नहीं है, सबकी अलग अलग है, बोलो क्या है? अब इस बहन का जो बच्चा है वो नशे करता है, क्या करता है, नशे, और ये इसलिए आई है, पर इसे कुछ पता नहीं है कि वो नशे उसके कैसे जाएंगे, ये कहती मुझे, मैं यहां से समझ कर जाती हूं मगर मैं भूल जाती हूं, जब मैं प्रभु में आया तो जब मैं, ऐसे नहीं कि खुदा ने मेरी बुद्धि को खोला था, पर जब मैं सुनता था तो मुझे भी याद नहीं रहता था, जिनसे, जिनके पास मैं मीटिंग में जाता था, मैंने उनसे बात की, वो कहते परमेश्वर से चाहत करो, उनसे मांगो, और मैं लगा रहा, क्या रहा, मैं लगा रहा उन चीजों में, मांगता रहा, बोला मांगो तो भाई, मैं लगा जैसे बुद्धि की घटी वो किससे मांगे, देखा बिना उलाने वो सबको देगा, उसकी बातों को समझने के लिए क्या देगा, वो बुद्धि देगा कि नहीं देगा, जब आपको समझ आ गई कि पाप मेरे ब्लड में, पाप मेरे ब्लड में, मतलब मेरी शरीर के अंदर जो खून है उसमें है पाप, बोलो क्या है, उसी के कारण ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और दुनिया में उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, किसी तांत्रिक बाबा जी के पास कोई भी उसका सलूशन नहीं है, हाँ कंप्लीट सलूशन नहीं है किसी के पास भी, हाँ लोग थोड़ा बहुत करते हैं तांत्रिक विद्या से भी लोगों के काम करते हैं, हो जाते हैं, जैसे मैंने टेस्टामनी बताई थी ना, हमारी कॉलोनी में एक फैमिली है, बहुत बड़ी कोठी है उनकी, शादी हुई,
बड़े बेटे की, फिर छोटे की, बड़े बेटे के घर बच्चा हुआ, लड़की हुई, और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ होगी। फिर कुछ साल, कुछ समय तक कोई बेबी नहीं है। फिर वो संसार के वही उन लोगों के पास गए अपनी आशीष लेने के लिए। बोलो, उन्होंने जैसा उन्हें करने के लिए कहा, बड़ी बुद्धि से किया। देखो संसार के लोग, देखो बुद्धि रखते हैं, उन्होंने बड़ी बुद्धि से उस जो भी तांत्रिक बाबा जी ने, पंडित जी ने, जिसके पास भी गए, उसकी जो जो उसने कहा, बड़ी बुद्धि से, ध्यान से उन चीजों को करते। और फिर से बेटा हुआ। अब उसने बताया, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं है कि बेटा हुआ है। जैसे जैसे कहा वैसा किया, अगर किसी ने कुछ पता चला, हाँ, बधाई दी, तो गुस्सा किया। और क्या हुआ, 7 महीने बाद वो बीमार हुआ, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। कोई फायदा नहीं। इसलिए लिखा, जो सुख, जो आशीष परमेश्वर आपको देता, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। क्या नहीं मिलाता उसमें वो दुख? वो इसलिए नहीं देता कि आपके आपसे फिर से ले, वो इसलिए नहीं देता। पर जो वचन को पूरा नहीं करते, उनके जीवन में ये ऐसे नुकसान होते हैं। मसीह में भी होते हैं, संसार में तो होते हैं, मसीह में भी, समझे हो? अब पाप कहां पे? हमारे ब्लड में, ब्लड में, खून में, जिसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून, अपना ब्लड बहाया, ताकि हम जीवन पाएं, क्योंकि उसके लहू में सामर्थ है कि नहीं है? किसके लहू में सामर्थ है? उसके लहू में क्या है? सामर्थ है कि नहीं है? उसके लहू में ताकत है। हाँ, जब हम विश्वास करते हैं कि उसने अपना पवित्र ब्लड हमारे लिए बहाया है, तो उसका लहू हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि उसका जिंदा लहू है, क्योंकि वो आज भी जिंदा है। वो मरा नहीं, मैंने कहा वो आज भी जिंदा है, इसलिए उसका लहू जीवित है, जो हमें छुड़ाता है और बचाता है, हमारी सब समस्याओं से हमें छुटकारा देता है। मगर हमें ये अगर समझ नहीं आई कि हमने इसके लिए करना क्या है, हमें ये नहीं पता पाप क्या है, पाप की डेफिनेशन क्या है, हाँ, हम वैसे ही, कई लोग हमारे पास आए जो चर्चों में से साल साल, दो दो, दस दस साल, एक एक परिवार आया, वो कहते हैं हमें 24 साल हो गए और कुछ नहीं पता। ये पाप के बारे जो मैं आपको पाप की डेफिनेशन समझा रहा हूं, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, 24 साल हो। जब मैंने उनसे पूछा, कहते हमें नहीं पता। मैंने कहा आपको सिखाया नहीं? वो कहते बस ऐसे ही, मैं प्रार्थना करते हो? कहते हाँ जी। मैं क्या करता? अब जिसे पाप की डेफिनेशन का पता नहीं है, वो क्या प्रार्थना करता हूं? कहां से वो छूटे? 24 साल हो गए और आज भी दुखों में जी रहे। क्या जी रहे? आज भी दुखों में जी रहे। समझ आ रही है? आज भी वो दुखों में जी रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आई परमेश्वर का राज्य क्या और मैंने क्या करना है। बोलो क्या है? इसी लूका 18 प्रभु ने दृष्टांत दिया ना, एक विधवा का, कि वो रोज अपने हाकम के पास जाती कि मेरा निगाह चुकाओ, मेरा ये काम करो। तो वो बेइंसाफ लिखा, प्रभु ने कहा, वो कहता ना, मैं मनुष्यों से ना परमेश्वर से डरता हूं, ये बार बार तंग करती है, इसका काम मैं कर देता हूं। प्रभु ने कहा, तुम जो उसके चुने हुए, तुम्हारे विषय देर लगाएगा? क्या लगाएगा? देर लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्या नहीं लगाएगा? किसी भी चीज के लिए वो देर नहीं लगाएगा, वो करेगा। क्योंकि हम कुछ भी खुदा के लिए करते हैं, वो स्वर्ग में लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाता है? स्वर्ग में लिखा जाता है। समझ आ रही है? अब कुछ भी कर रहे हो खुदा के लिए, वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अन्यायी परमेश्वर नहीं, लिखा न्यायी प्रेम परमेश्वर है, कि जो आप प्रेम उसे दिखा रहे हो, बोलो क्या है? जो प्रेम आप उसे दिखा रहे हो, वो आपके जीवन में उसे प्रकट भी करेगा और पूरा भी करेगा। अगर आप दिखा रहे हो, अगर नहीं तो कुछ नहीं, अगर दिखा रहे हो तो फिर होगा। बोलो क्या है? अगर दिखा रहे हो, इसलिए जो लोग इस तरीके से अच्छे मन से चल रहे हैं, वो गवाही से खड़े होंगे। अगर जो चल रहे हैं, अगर उनके जीवन में गवाही नहीं भी बनी, तो देखना उनसे भी ज्यादा कुछ बड़ा होगा, करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। बोलो क्या है? उनसे भी ज्यादा अच्छा करेगा। क्या करेगा? उनसे भी ज्यादा अच्छा करेगा। पर वो पहले ही, जैसे लिखा ना, सोगी के दिन सब सो, हाँ,
शोक परे रहेंगे। हाँ, जो सोचता रहता, क्योंकि शरीर के इंसान लिखा शरीर की बातों पर मन लगाता है। हाँ, जैसे रोमियो 8 की हम अगर 5 से पढ़ें तो कैसे लिखा पढ़ना इसे, रोमियो 8 क्योंकि शरीरक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु अध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दिशा दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते, कभी भी। लिखा शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता, पर जो आध्यात्मिक है, जो आत्मिक है, वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। क्या लगाता है? उसे पता है कि मेरे पापों के लिए कौन मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बोलो क्या? वो शरीर की बातों पर नहीं, लिखा आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। किसकी? लिखा शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बोलो, और ना ही ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना ही हो सकता है। और शारीरिक दशा में हमें किसके किसे खुश नहीं कर सकते? हाँ, किसे खुश नहीं कर सकते? परमेश्वर को कभी भी आप खुश नहीं कर सकते। अगर आप शरीर में जी रहे हो, शरीर की सोचें सोच रहे हो, हाँ, आप कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप कभी भी परमेश्वर को खुश, कितनों को समझ आ रही है? और जितने लोग शरीर में रहते हैं, बोलो क्या है, शरीर में वही लोग लंबा सफर करते हैं। बोलो क्या है? जो शरीर में चलते हैं, शरीर में, वही लोग लंबा सफर करते हैं, लंबा। बोलो क्या है? क्योंकि मैंने इस चीज के लिए, जैसे बाइबल में लिखा ना, सेकंड पत्रस 1:10 में लिखा कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जानों को जाने के लिए भली बातें समझने का और भी क्या करो, जतन करो। क्या करो? भली बातें समझने का, उन बातों को जतन करो, जतन। क्योंकि हर चीज जतन से होगी, कोशिश से होगी, बिना कोशिश से कुछ नहीं होगा। मैं पिछले दिनों में प्रेयर कर रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और मेरा मन मुझे दोष लगा रहा था, क्या फायदा इतनी प्रेयर करने का। हाँ, देखो कैसे कैसे शैतान क्या कर रहा है। पिछले दिनों में, कुछ समय पहले की बात है, जब मैं बहुत प्रेयर कर रहा था, नाइट प्रेयर, घंटों प्रेयर कर रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? और मेरा मन मुझे दोष लगा रहा था, और बीच में मैंने एक दो बार बंद कर दी, थोड़ी सी कम करनी शुरू कर दी। देखो, इसलिए भाई मैंने लिखा, शैतान की युक्तियों से अनजान न रहो। अगर मेरे जीवन में वचन ना होता तो मैं फंस जाना था, किसकी युक्ति में, क्योंकि मेरा मन मुझे कह रहा था ले इतनी प्रेयर की। जब मैं कम प्रेयर करता था तो कभी कभी ऐसे कुछ काम हो जाते थे, ज्यादा हो जाते थे, पर मैं समझ चुका था कि ये किसकी युक्ति है। बोलो, ये कौन अपनी युक्ति में मुझे फंसा रहा है? क्योंकि उसे पता, अगर ये ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा कुछ करेगा, और ना मुझे करने देगा ना आपको करने देगा। बोलो क्या? पर मैं जानता हूं उसके वचन को कि वो हमें अपनी युक्तियों में फंसाता है। पता है कि नहीं पता? अगर आपके अंदर वचन है, बोलो, क्योंकि हमारी लड़ाई लिखा किससे नहीं है, इंसानों से नहीं, कभी कभी मसीह आपस में लड़ते हैं। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? हाँ, पौलुस क्रंथियस के लोगों कहता, तुम क्या शारीरिक नहीं हो? अभी तक तुम शारीरिक नहीं हो। वो कहता, तो मैंने तुम्हें अन्न खिलाया, हाँ, पर अब भी तुम दूध पीने वाले हो। मैंने तो तुम्हें अन्न खिलाया पर तुम उसे खाने वाले नहीं बन सके। क्या नहीं बन सके?
खाने वाले नहीं। वो कहता समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर अब भी वही दूध पीने वाले हो, वही इतने सालों से आज भी वही बातें, वही प्रॉब्लम, वही दुख, वही चीजें फिर से बार बार। कहता समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, दूसरों को बताने सिखाने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, पर आज भी वही चीजें, क्योंकि तुम खाने वाले नहीं बने। समय के हिसाब से कहता गुरु हो जाना चाहिए था, पर आज भी वही चीजें हैं कि तुम्हें दूध की बातें बतानी पड़ रही है। समझ आ रही है? इसे लिखा जो शरीर की दशा में वो कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर की मनसा परमेश्वर से बैर है, बैर। और जब मैं बढ़ रहा था तो शैतान मेरे मन में ऐसी चीजें डालता था, क्या फायदा है? हाँ, आज आप आ रहे हो, रेगुलर आ रहे हो, आज संडे वीरवार आ रहे हो, एक दिन शैतान आपके मन में डालना, क्या फायदा? हो तो रहा नहीं, और धीरे धीरे आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जिसको आपने बनाया है, बोलो क्या है? जिसको आपने बनाया है, और धीरे धीरे शैतान आपके प्रेम को ठंडा कर देगा। पर मैंने अपने जीवन में इस चीज को कभी भी पूरा नहीं होने दिया। शैतान की किसी भी युक्ति को मैंने आज तक पूरा, मैंने मन से उसको उसके साथ में जिया। अगर आप भी ऐसा करोगे, देखना परमेश्वर अन्यायी नहीं है। बोलो क्या है? अगर आप आ रहे हो, बोलो, टाइम निकाल रहे हो, ये देखो ये क्या नाम है इनका, पूछो जी, जी इनको 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 इनके पीछे ये, हाँ ये क्या नाम है आपका? कुछ लोगों की मैं शक्लें याद रख लेता हूं अगर मुझे नाम पता नहीं है। अब कब मीटिंग लास्ट इस मिनिस्ट्री में कब आए थे? पहला पापा जी 6 महीने हो गया, 9 दिन भी चौहट गए हैं। 6 महीने पहले आप आते थे, हाँ। कितनी देर तक नहीं आए? 3-4 महीने नहीं आए। 3-4 महीने नहीं आए। आपकी प्रॉब्लम क्या थी जब आप आए थे? उदो पापा जी नहीं, मेरा पति नशे करता ही, घर च लड़ाई बड़ी रही, मार कुट के सानू कट दिंदा ही, मार कुट के। तो अपने फिर आना क्यों बंद कर दिया? ऐदा ही घरे लड़ाई लड़ाई होगी, फिर देर दे व्याह ही, बाद च बाद ऐदा लड़ाई च मुड़ के अही फिर पीछे हट गए। जिदा अब क्योंकि पता नहीं ना, सत्य का पता नहीं है, उसने अपनी युक्ति में फंसाया और उन्हें बैग पीछे ले गया। हाँ, पर भला है उस परमेश्वर का कि जो फिर इसे लेकर यहां पे आ गया। हाँ, बोलो क्या है? भला है उस परमेश्वर का कि वो फिर इन्हें फिर से लेकर आ गया। अब इसकी जो प्रॉब्लम है, इसके पति की नशे की, खुदाबंद दूर करना चाहता है, क्योंकि वो सच्चा खुदा, उसने अपना लहू हमारे लिए दिया है। क्योंकि अगर ये शरीर में जी रही है, बस इसके एक ही दिमाग में इसकी सोच है, तो कुछ नहीं होगा। अगर इसके मन के अंदर, इसके दिमाग में ये चीज आ गई कि सच्चा खुदा एक ही परमेश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं है, और उसने मेरे पापों के लिए, मेरे पति के पाप के लिए, मेरे दुख के लिए उसने अपना खून बहाया है, अगर इसे ये बात समझ आ गई, ये खड़ी रहेगी, धन्यवाद करेगी, रोज रोज प्रार्थना करेगी, घंटू उसके साथ बैठेगी, समा बताएगी, ये संडे आएगी, वीरवार आएगी, अपना अगर इसके पति नशा करता हो, पैसे नहीं देता, ये खुद काम करेगी, मेहनत करेगी। एक वचन पढ़ना, नीति वचन 14 उसकी 1, नीति वचन 14 की 1, जल्दी से स्पीड से रहो। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। देखो, एक बुद्धिमान स्त्री को परमेश्वर ने कहा बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और मूढ़ अपने ही हाथों से, लिखा वो ढा देती। क्या देती है? अपने हाथों से वो ढा देती है, जो मूढ़ है। पर बुद्धिमान स्त्री, लिखा परमेश्वर ने, वो बनाती है। क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अगर पैसे नहीं, वो खुद काम करेगी, मेहनत करेगी, और एक दिन उस जीवन को जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए लेकर आया, वो प्रकट कर देगी अपने जीवन से। क्या कर देगी? वो प्रकट कर देगी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि उसने आपसे सच्चा स्नेह किया, झूठा प्रेम नहीं किया, सच्चा किया। और बुद्धिमान स्त्री क्या कर देगी? उस जीवन को प्रकट कर देगी।
और मूड लिखा ढा देगी, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से जिएगी, अपनी बुद्धि से सोचेगी, पैसे नहीं है, काम नहीं है, लड़ाई है, घर में कलेश है, कैसे जाएं, क्या करें। आगे पढ़ो। जो सिदाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहराता है। जो सिदाई से चलता लिखा वह यहोवा का भय मानने वाला है। जो सिदाई से चलता वो यहोवा का भय मानने वाला है। सिदाई से मतलब समझे, जो सीधी, वो ठर रखता, क्या रखता है, वो ठर रखता, हर चीज का वो डर रखेगा। उसके उसको पता, मैंने किसी की बुराई नहीं करनी, मैंने किसी की चुगली नहीं करनी, पर जिसके अंदर डर नहीं है वो करेगा, बड़ी बुराई करेगा, पीठ पीछे बहुत कुछ करेगा, क्या करेगा, वो बहुत कुछ करेगा, वो चाल पूसी की बातें करेगा, हाँ, दिखावा दिखाएगा, ये देखो जी मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, दिखावा तो बहुत दिखाएगा, पर परमेश्वर दिखावे को नहीं, वो बारी रूप नहीं लिखा, वो मन को देखता है। क्या देखता है, वो मन को देखता है। समझ आ रही है। इसलिए कैसे लिखा, जो सिदाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है, वो ठर रखेगा कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोलना, मैंने ऐसे नहीं करना, क्योंकि मुझे कौन देख रहा है। अब कौन देख रहा है, अगर मान लो मैं बुराई कर रहा हूं, मैं किसी के लिए कुछ गलत बोल रहा हूं, हाँ, या अपने फायदे के लिए दूसरे को मूर्ख बना रहा हूं कि ये मेरा काम कर दे, तो मुझे कौन देख रहा है, बोलो। मैं किसी से चाल पूसी से पैसे ठग रहा हूं, हाँ, तो कौन जानता है। अब मैं से कोई बताऊं, मैंने कभी भी किसी से कहा है कि हमें इतनी जरूरत है जी पैसे दे दो, आज तक कोई भी हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे, किसी ने भी ऐसे नहीं है। कई इतनी परिस्थितियां इस मिनिस्ट्री में आई मेरे सामने, ऐसे ऐसे दिन आए। मैं कल भी अपनी टीम से ये ऐसे बात कर रहा था कि जो हम स्टेज सजाते हैं खुदा की महिमा के लिए, क्या करते हैं, ये जो स्टेज सजाते हैं हम स्टेज, हमारे पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि हर बंदा 10 डालता है, 5 डालता है और चला जाता है। एक गरीब औरत के बच्चे मुझे पता 10-20 आराम से वो खर्च देते हैं, मगर खुदा के घर के लिए वो सिर्फ 10 ही बोएगी, तो कहां से वो आशीष जीवन ले सकेगी। हाँ, वो सिर्फ 10 बोएगी, 10 क्या बोएगी, सिर्फ एक गरीब औरत 10 बोएगी, और लोगों के 10 बोने की वजह के कुछ कारण हम इसको इतना खुदा की इस वेदी को सजा ना सके जितना सजाना चाहे। मैं कल अपनी टीम से बात कर रहा था कि पिछले दिनों की जब मैं वीडियो देखता हूं, उसमें जो स्टेज हम सजाते थे, हमारे पास कपड़ा नहीं था, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि हम इसे सजा सकते। और एक दिन मैं, मेरा मन ऐसे भर गया कि खुदावंद, हम अपने घर के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपनी चीजों के लिए कितना करते हैं, आज से तेरे घर में, तेरी वेदी पर मैं कोई पुराना कपड़ा नहीं लगाऊंगा, जब भी मैं उतारूंगा तो नया लगाऊंगा। और ऐसे ही हो रहा है, जिस दिन से मैंने मांगा, आप डालो चाहे ना डालो, खुदाबंद उसे उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। बोलो क्या है, वो सच्चा परमेश्वर है। बोलो क्या है, वो सच्चा परमेश्वर है, वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप बो चाहे ना बोलो, आपके बोने से काम नहीं होंगे, पर ये एक याद रखना कि अगर हम खुदा के काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, यूज नहीं हो रहे, तो परमेश्वर एक दिन है ना, वो आपसे लेखा लेगा और आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे जीवन दिया, तूने मेरे राज्य के लिए कुछ नहीं किया। अभी देखो, अभी हमने 25 को जो प्रोग्राम किया है, गरीब से गरीब लोगों ने जिनके पास कुछ नहीं था इतना दिया, उकात से भी ज्यादा। कितना दिया, उकात से भी ज्यादा दिया। वो आए यहां रिम्पी? नहीं, वो नहीं आया। आज आए नहीं सिस्टरों? घरों का काम करती है, घरों का काम। उसका घर देखो ना, देखना एक ही कमरा है, छोटा सा, पैर रखने की जगह नहीं है, सब सामान एक ही कमरा। मैं ये नहीं है कि एक ही नहीं, नहीं बहुत सारे लोगों ने किया है, इसलिए इस बार हम उससे भी अच्छा कर पाए। और आने वाले 2022 लास्ट में
उससे भी ज्यादा सुपर डुपर होगा, क्योंकि खुदावंद हमें ये 2022 में इतना ब्लेस करेगा। क्योंकि अगर आप ब्लेस होगे तो आप खुदा के लिए करोगे कि नहीं, अगर आप ब्लेस नहीं होगे तो कैसे होंगे। पर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा और बहुत यूज करेगा। मैं बता इसलिए रहा हूं कि एक गरीब औरत ने जिसका कुछ भी नहीं, काम करती है घरों का, उसने कमेटी वो देना चाहती थी, उसके पास पैसे नहीं। कितने होंगे जिन्होंने नहीं दिया, कितने में से होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं दिया? मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10 रुपए 100 रुपए भी नहीं दिए खुदा के काम के लिए, बस आए वो। तो परमेश्वर तो महान है, वो तो करेगा अपना काम। उस गरीब औरत वो देना चाहती थी, उसकी कमेटी थी, वो मिल नहीं रहे थे। उसने कहा मैं देना चाहती हूँ, मुझे क्या पता, क्योंकि जितने हमने कहा था मैंने कहा वो भी उतने देगी। और उसने उस कमेटी से 10,000 रुपया दिया अकेले उस औरत ने, 10,000। एक गरीब औरत ने काम करने वाली 10,000 रुपया दी। यीशु मसीह ने विधवा एक के दान क्यों को सराहा। अगर मैं किसी के दान को सराहता हूं तो यीशु मसीह ने भी सराहा था। हाँ, उसने विधवा के दान को सराहा था ना कि तुमने अपनी बढ़ती से दिया, पर इसने सबसे ज्यादा दिया। क्या दिया इसने? इसने सबसे ज्यादा दिया। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। बोलो क्या है? वो व्यर्थ नहीं है। बोलो क्या है? वो व्यर्थ नहीं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं है। अगर आप बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, आ रहे हो, मैंने कहा व्यर्थ नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? वो व्यर्थ नहीं है। खुदावंद उससे पूरा करेगा एक दिन। क्या करेगा वो? वो पूरा करेगा। वो याद रखेगा कि आपने कुछ मेरे लिए किया है। हाँ, आप रात जागे हो, आप धूप में आए हो, ठंड में आए हो, आप बारिश में भी आकर इस पंडाल में बैठे हो, भीग रहे हो, खुदावंद याद रखेगा। पता है कि नहीं? पर क्या रखेगा? अब ठंड में मैं बता रहा था कल अपनी टीम को कि मैं जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी मैं बाइक से जाता, जब मैं प्रभु में आया नया नया, चाहता तो मैं ले सकता था, मेरे पास बहुत पैसे थे, पर मैं अंधकार में था। जितने मैंने लाखों शैतान ने मेरे बर्बाद किए ले सकता था, क्योंकि मेरे जो 7 लोग काम करते थे उन्होंने 3-3, 4-4 प्लाट कोठियां डाल ली थी। मैं भी चाहता तो मैं भी डाल सकता था, क्योंकि मैं अपने काम पर ध्यान नहीं देता। सुबह से लेकर शाम तक मैं सिर्फ नशा करता। क्या करता था? सुबह से 6 बजे कई बार मेरे बाइक के मोटरसाइकिल में एक क्वार्टर होता था, उसमें मैं ऐसे रख लेता था, यहाँ पे वो कागज रखते हैं। और कई बार मेरा दिल करता था सुबह ही, हाँ अभी वो हाथे उत्ते भी नहीं खुले होते थे, हाँ सारा कुछ उसमें निकमीन और डाला, और इतना ऐसे था। और उसी मूर्ख इंसान को खुदा ने देखो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करा है, क्योंकि बाइबल में लिखा उन्हें चकित के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित करे। उसने क्या है? जगत के मूर्खों को चुन लिया। मगर आप समझोगे नहीं इस बात को तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसी लिखा बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और मूड डाती है। बोलो, और आगे कैसे लिखा करना है? जो खरी, जल्दी से पढ़ो, जो सिदाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला। जो टेढ़ी चाल चलते, जो अपनी मर्जी करते हैं, कुछ लोग ऐसे कठोर होते हैं उन्हें जितना भी समझाओ वो फिर भी अपनी मर्जी करते हैं। हमें सबको 10 बजे आकर उससे पहले बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? हाँ, मुझे बताओ, हमें सबको 10 बजे से आकर पहले बैठना चाहिए? मुझे बताओ, उसका आदर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? कि नहीं चाहिए? हम अपना काम हो तो सुबह 7 बजे भी चले जाएंगे। चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? हमें अपना को काम हो, हम 7 बजे भी चले जाएंगे। शादी है, किसी का कुछ प्रोग्राम है, डेथ होगी, किसी की मौत होगी है, हाँ 8 बजे उन्होंने क्या करना है, हाँ तो वो पहुंच जाएंगे, पर खुदा के लिए नहीं। लिखा जो टेढ़ी चाल चलता है उसे तुच्छ जानता है। आगे पढ़ो, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। हाँ, देखो, मूढ़ के मुंह में
गर्भ का अंकुर, अंकुर का मतलब सोचते जैसे जमीन से जो बीज बाहर निकलता है, मूड के मुंह में गर्व का अंकुर, क्योंकि गर्व मतलब समझ ना घमंड जैसे चीज, वो मूड है, तो वो उस बीज को पैदा कर रहा है जो एक दिन बढ़ेगा और क्या करेगा। पर लिखा बुद्धिमान क्या करता है, वचनों के द्वारा, ऐसे लिखा ना, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। बुद्धिमान लोग वचनों के द्वारा क्या पाते हैं, अपनी रक्षा। रक्षा समझे ना कि बुद्धिमान ही चीज क्या कर सकता है, वचनों के द्वारा वो रक्षा, मतलब क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, हर चीज में उनकी सहायता करेगा। पर किनकी, जो बुद्धिमान है। बोलो क्या है, जो बुद्धिमान है। इसीलिए कहा शारीरिक व्यक्ति शरीर की, शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, वो समझ नहीं सकता, क्यों लगा उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। बोलो क्या है, बोलो क्या है, शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। भजन संहिता पढ़ना 101 की एक से, समझ आ रही है सबको, कितनों को समझ आ रही है, क्योंकि हमारा ये नया जन्म हुआ है। एक हमारा वो जन्म है जिससे हम माता पिता से जन्मे, एक दूसरा जन्म हमने जब यीशु को अंगीकार किया, विश्वास किया कि हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे ने मुर्दों में से, तो खुदा ने हमें एक नया जन्म दिया। ये आत्मिक जन्म है। बोलो कौन सा जन्म है, ये आत्मिक जन्म है, आत्मिक जन्म। कितनों को समझ आ रही है, ये आत्मिक हमारा एक नया जन्म हुआ है। क्या हुआ है, जिसमें मसीह की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। इस नए जीवन में क्या करती है, मसीह की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। हमें करती कि नहीं करती, करती है कि नहीं करती। अगर आप विश्वास नहीं है आपको, तो कैसे वो सामर्थ काम करेगी। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो सामर्थ कैसे काम करेगी। आगे पढ़ो 101। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। बस है ना, क्या कहता दाऊद, दोबारा से पढ़ो फिर से। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, मैं करुणा और न्याय के विषय, क्योंकि परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर, त्याग करने वाला परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर। लिखा वो कहता है मैं उसके लिए क्या करूंगा, दाऊद कहता मैं गाऊंगा, तेरा भजन गाऊंगा। क्या करूंगा, आज हम भजन गा रहे थे ना, कैसे शैताना की नहीं चलना तैथो, गाओ कैसे था थोड़ा सा, तेनु वचना दे नाल, हां तेरा साढ़े ते शैताना कोई चलना नी जोर, असी यीशु दे सिपाही सानू जानी ना कोई होर। तेरा साढ़े ते शैताना कोई चलना नी जोर, असी यीशु दे सिपाही सानू जानी ना कोई होर। असी कोई हथियार ना उठावांगे, तेनु वचना दे नाल हरावांगे, तेनु वचना दे नाल हरावांगे। आमीन। असी कोई हथियार, जिरीहो की दीवार हथियारों से गिरी के वचन से गिरी, जो खुदा ने दिया था। किससे गिरी थी वो, वचन से। अगर आपके जीवन में आज वचन है तो वो दीवारें गिरने वाले यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा अगर आपके जीवन में भी वचन है और आप उस पर खड़े हो, तो वो दीवारें जो शैतान ने जरीहों के जैसे आपके जीवन में खड़ी की है ना, चाहे वो नशे की हो, हाँ चाहे वो डिप्रेशन की हो, कर्ज की हो, हाँ व्यभिचार की हो, दुष्टात्मा के अटैक की हो, गरीबी की हो, हाँ बोलो क्या, गर्भपात की हो, क्योंकि शैतान ने क्या किया, गर्भपात कई बहनों का क्या किया,
कितने साल हो गए शादी को मगर बेबी नहीं है, मगर वचन पर खड़े हैं तो वो गिरने वाली है। मैं दीवारे मैंने कहा, बोलो क्या है, वो गिरने वाली है, आपकी गरीबी जाने वाली है, आपके कर्ज उतरने वाले हैं, आपकी शर्मिंदगियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। पर ये कब होगा? बोलो, मैंने कहा ये कब होगा? देखो दाऊद कहता, मैं तेरी करुणा और न्याय के विषय बसन तेरा गाऊंगा। क्या करूंगा? तेरी करुणा और न्याय के विषय में तेरा बसन गाऊंगा। आगे पढ़ो। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, टेढ़े मार्ग में नहीं। लिखा मूड टेढ़ी चाल चलता है, कहता मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। कितनों को समझ आ रही है? कुछ लोगों की आदत है, मैं देखता हूं वो नहीं बदलते। हाँ, पता नहीं क्या कई लोगों की है। अरे डर रखो, एक दिन आप खुदा के सिंहासन के सामने खड़े हो गए, रखते कि नहीं डर? वो आपका न्याय लेगा, आपसे पूछेगा क्या करोगे। आगे पढ़ो। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं अपने घर में भी, कहता ये नहीं है कि यहां पे बस, मैं अपने घर में भी मन की खराई से चलूंगा। मैं वहां पे भी, ऐसे नहीं है कि अब कौन से खुदा की हजूरी में। वो कहता मैं अपने घर में भी कैसे चलूंगा? खराई से चलूंगा। और मैं किसी औषे काम पर चित ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से गिन रखता हूं। मैं किसी ओछे काम में हाथ ना लगाऊंगा। कुमार्ग, मार्ग में चलने वालों से मैं गिन रखता हूं। कुमार्ग समझे ना, जो टेढ़ी चाल के रास्ते में चलते हैं, मैं कहता हूं उनसे गिन रखता हूं। और मैं किसी भी ओछे काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। समझ आ रही है? आगे पढ़ो। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे और मैं बुराई को, और कितने लोग हैं जो मसीह में वो टलते नहीं, वो करते रहते हैं बुराई। याद रखना, एक दिन आपको लेखा देना पड़ेगा। क्या करने में, जब आप दूसरे की बुराई कर रहे हो तो याद रखना आपको लेखा देना पड़ेगा। बोलो दोबारा से पढ़ो, फिर से वचन ये। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे और मैं बुराई को जानूंगा भी। आगे। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली करे उसको मैं सत्यानाश करूंगा। देखो, जो छिपकर अपने पड़ोसी की क्या करे, हमारा पड़ोसी कौन है? बोलो, हमारा पड़ोसी कौन है? हम एक दूसरे के सब कौन है, पड़ोसी है कि नहीं? एक तो जहां पे हम रहते हैं वो, और एक हम आपस में, हम एक दूसरे के किसके पड़ोसी हैं? लिखा जो छिपकर चुगली करेगा मैं उसका सत्यानाश करूंगा, नष्ट करूंगा। ऐसे लिखा ना, ऐसे लिखा ना, जो छिपकर चुगली करेगा मैं उसका क्या करूंगा, सत्यानाश कर। क्योंकि परमेश्वर नियम का, मैं कल अपनी टीम को बता रहा था, याद रखना, क्योंकि मेरी जीवन में शैतान कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। मैं से इन्हें अपनी टीम को समझा रहा है, जब भी मेरी जीवन में रुकावट का कारण बनोगे तो आप बनोगे, क्योंकि ना आज तक पैसा, ना बीमारी, ना मेरी पत्नी, ना बच्चे, कोई ऐसी चीज मेरे जीवन में रुकावट नहीं बन सकी। मैंने समझा रहा था कि अगर रुकावट बनोगे तो आप बनोगे, अगर आप टेढ़ी चाल चलोगे, आप कुछ आगे पीछे करोगे तो शैतान कुछ मेरे मन को अपसेट करना चाहेगा। पर मैंने इन्हें बताया कि याद रखना, बोलो याद रखना, अगर ऐसा करोगे तो परमेश्वर जानता तुमने मेरी महिमा के काम में रुकावट डाली, और वो ऐसा परमेश्वर है कि वो याद रखने वाला परमेश्वर है। जब इसराइली मिश्र से आ रहे थे तो लिखा अमालेकियों ने विरोध किया परमेश्वर के लोगों का, तो जब शाऊल को खड़ा किया तो उसने कहा सब जो दूध पीता, बूढ़ा बच्चा, गायें बैल, सबका क्या कर दे, सत्यानाश कर दे। क्योंकि खुदावन अपने वचन को पूरा करने वाला है।
कुछ लोग नॉर्मली जीते हैं, वो कुछ नहीं है, 12 बजे की है, ओ कोई गल नहीं है, जो जो दिल में आता है वही बोल रहे हैं। इसलिए उसने कहा तेरे मुंह में जीवन और तेरे मुंह में मौत है, शराब है। कुछ लोग कुछ चीजें हम ऐसे बोल देते हैं, मैं इसी में बहुत चीजों को ध्यान में रखकर बोलता हूं। और जी कब ऐसा करने लगोगे, जब आप आत्मिक उन्नति में, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में बढ़ना शुरू हो जाओ। क्या हो जाओगे? आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपका सिर्फ शरीर की चीजों तक सीमित हो, या ये काम वो काम, बोलो क्या है? कुछ लोग शरीर के कामों तक सीमित हैं, बोलो क्या है? इसी लिखा, अगर सिर्फ आप मसीह की इसी जीवन में सिर्फ आशा रखते हो मसीह पर, आप सब मनुष्यों से अबाकी मनुष्य। अगर सिर्फ इसी जीवन में आप आस रखते हो कि मेरा ये काम वो काम, तो पौलुस ने कहा तुम सबसे अभाग्य मनुष्य, क्योंकि सिर्फ आप कामों तक, ऐसा नहीं कि परमेश्वर कामों को करना नहीं चाहता। हाँ, उसने क्यों कहा जो कोई मेरे पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि मैं हूं, और मैं अपने खोजने वालों को क्या देता हूं? प्रतिफल देता हूं, जो मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं, बोलो, और जितने समझेंगे और वचन को पूरा करेंगे, मैंने कहा उनके परिवार बढ़ने वाले हैं, उनके शीशे बढ़ने वाली हैं, उनके रास्ते खुलने वाले हैं। देखना वो लोग आगे आएंगे, वो अपनी गरीबी से, अपने शराबों से, अपनी हर चीज से वो आजाद होंगे। और कब होंगे? कब होंगे? जब वो आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ेंगे, तब होगा। आलस को त्यागेंगे। कुछ स्त्रियां क्या लिखा कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती और मूड़। कुछ लोग ऐसी स्त्रियां भी हो सकती हैं जो आलस, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, कईयों को कुछ काम नहीं है। कुछ लोग स्त्रियां, मैं कहता हूं काम करके भी आ जाती हैं टाइम से, और कुछ लोग बस उन्हीं चीजों में बस ऐसे लगे रहते हैं। और लिखा मूड ढाती और बुद्धिमान बनाती है। बोलो मूड ढाती और बुद्धिमान बनाती है। अब फैसला आपने करना है कि आपने क्या करना है। इस दुनिया में ऐसे जाना है, मैंने परमेश्वर से चाहत की, मैं कल भी इन्हें बता रहा था कि मैंने ऐसे नहीं मरना, मैंने परमेश्वर से ये चाहत रखी कि मैंने ऐसे नहीं मरना इस दुनिया में, मैंने इस दुनिया में खुदावंद तेरे नाम की पहचान से मैंने एक पहचान बनानी, और तू मुझे विश्वास है कि तू मुझे पृथ्वी की शोर तक इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? पृथ्वी की शोर तक मुझे इस्तेमाल, और ये होगा। बोलो क्या है? ये होगा, ये होगा, निश्चय 100% होगा। अगर मेरे जीवन में होगा तो आपके जीवन में भी होगा। अगर जो चीज मैं कर रहा हूं, जैसे पौलुस ने कहा मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो, अगर मैं जो चीजें कर रहा हूं आप भी करो, क्योंकि हमें सबको करना पड़ेगा। वो कहता है मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो, हाँ तो आपको भी वो चाल चलनी पड़ेगी। कहता टेढ़ी चाल जो चलता है उसे तुच्छ जानता है, हाँ टेढ़ी चाल चलने वाला उसे तुच्छ जानता, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो चल रहा, हाँ जो गरीबी में भी आ रहा है, अपनी बीमारी में भी आ रहा है, अपनी घटी में भी वो बो रहा है, क्या कर रहे हैं? कुछ लोग अपनी घटी में भी बोते हैं खुशी से, पर कुछ लोग नहीं बोते, और जो नहीं बोते वो ही वचन को तुच्छ जान ले। हाँ मैं कुछ लोगों को देखा है इसमें, कितना लोगों ने किया इनके पास था भी नहीं, और ऐसा नहीं है कईयों के पास मन है, बहुत मन। आपने टेस्टामनी सुनी जो सिस्टर पूना से थी, जिसका पति विश्वास नहीं करता, उससे झगड़ा करता है, उसके पास जब उसने सुना तो उसके पास कुछ नहीं था, वो कहती मैं जिसने कहा मैं घर भी दे दूं तो कम है। तो उसने उसकी कुछ बालियां थी, बोलो वो 3500 रुपए की बिची, वो 5000 देनी। जब बात हुई तो मैंने कहा, मैंने बालियां 5000 मैंने खुदा, मैंने कहा कैसे दिया? कहती मेरी बालियां थी सोने की, वो दे दी 3500। तो मैंने आपने फिर 5 कैसे? कहती एक 5 मेरे बिच्छू होते ना वो पैरों में डालने वाले चांदी के, वो 5 से। मैंने कहा 4 हुआ तो 5 कहाँ से? कहती 1000 रुपया जो पति मेरा मुझे खर्चा देता उससे मैंने 10-10 रुपए बचाए थे, इसलिए मैंने 5000 खुदा के लिए बोया है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में अंदर प्रेम है,
बोलो जो खुदा के लिए जो प्यार करता उसे, और कुछ लोगों ने बहुत किया, बोलो क्या है, बहुत किया, बहुत, जिसने जो कुछ किया वो लिखा जा चुका है, और आने वाला उत्तर स्वर्ग से। मैंने कहा हर एक के लिए उत्तर आएगा, बोलो क्या आएगा, देखना जिसने भी जो जो किया वो खड़े होने वाले हैं। इस बार मैंने प्रार्थना की परमेश्वर जितनों ने अपने मन को खोला मैं शांस करता हूं और उनके लिए मांगता हूं नेक्स्ट 2022 में वो अपनी गाड़ी के साथ यहां पे होंगे।